नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। आइए शुरू करते हैं खबरें फटाफट का सिलसिला। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के तहत दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या करने वालों की गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पूरे देश में रोष देखा जा रहा है। मेरठ में ज्ञापन देते हुए विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जब राम का काम करने वाले रिंकू शर्मा जैसे कार्यकर्ता की हत्या दिल्ली के अंदर होती है और केवल किस विरोध में कि उसको जय श्री राम बोलता है, जय श्री राम बोलना भारत के अंदर क्या पाप है, और उसी विरोध में आज देश भर के अंदर बजरंग दल सड़कों पर है और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। प्रकरण में तो आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, अब आपकी क्या मांग है? आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर सख्त कार्रवाई और फास्ट कोर्ट के आधार पर उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि राम के काम करने वाले कार्यकर्ता की हत्या इस देश के अंदर सहन नहीं होगी। बिजनौर में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर आयोजित किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री को दो बार चुना क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद नहीं होगी। प्रियंका ने आगे कहा कि लेकिन उनके राज में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसान कानून नहीं चाहते लेकिन सरकार इसे वापस नहीं ले रही है। क्या किसी की भलाई जबरदस्ती की जाती है? नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने जौनपुर में बक्सा थाने क्षेत्र के चक मिर्जापुर में पहुंचकर पुलिस अभिरक्षा में मृत कृष्ण कुमार यादव के परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही घर वालों को आश्वासन दिया कि जब तक दोषी पुलिसकर्मी गिरफ्तार नहीं हो जाते समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने तक सदन नहीं चलने देने की भी बात कही। राम गोविंद ने कृष्ण कुमार को शहीद का दर्जा दिए जाने के साथ स्वजनों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। इस बर्बरतापूर्ण घटना को लेकर उन्होंने सरकार को भी आड़े लिया, कहा कि भाजपा सरकार में पुलिस बेलगाम है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां बेटी की जिद और मनमानी से परेशान पिता और भाई ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच में पता चला है कि पिता ने अपनी इज्जत के लिए 1.5 लाख रुपए देकर बेटी की हत्या कराई थी। मारने वालों में वह खुद, युवती का भाई और जीजा भी शामिल था। बाप बेटे बहनोई समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक स्मार्ट हेलमेट बनाया है। ये न केवल ट्रैफिक नियमों का पालन करवाएगा बल्कि पेट्रोल भी बचाएगा। यह ट्रैफिक सिस्टम हेलमेट पूरी तरह ट्रैफिक सिग्नल पर काम करता है। ट्रैफिक सिग्नल रेड होते ही हेलमेट गाड़ी के इंजन को बंद कर देता है। सिग्नल ग्रीन होने पर यह फिर से बाइक को स्टार्ट कर देता है। इस तरह से हर ट्रैफिक लाइट पर करीब 20 ml पेट्रोल बचता है। बिना हेलमेट के बाइक भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। किसी दुर्घटना की हालत में यह परिवार को मैसेज करके लोकेशन बताता है। हादसा होने पर यह फोन कॉल करके घर वालों को सूचना भी देता है। बस्ती के बर्खास्त सिपाही ने गोरखपुर में सीरियल मर्डर करने की धमकी देकर सनसनी फैला दी है। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई कैंट पुलिस ने कुशीनगर के रहने वाले सिपाही के खिलाफ धमकी और आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। साइबर सेल और सर्विलांस टीम की मदद से सिपाही के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सूचना है कि बस्ती पुलिस ने भी बर्खास्त सिपाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। यूपी पुलिस में पावर है, सकती है तो कल ये मर्डर होने से रोक सके, और ठीक ही परसों एक मर्डर करूंगा मैं, और लगातार 3 मर्डर करूंगा, लेकिन कल का मर्डर एकदम श्योर है। अगर ये मजाक लग रहा हो गोरखपुर पुलिस को और यूपी पुलिस को, तो मेरे बारे में बस्ती के एसपी हेमराज मीणा और गोरखपुर के एसपी और खलीलाबाद के एसपी और कुशीनगर के एसपी से संपर्क करें, और आप में थोड़ी भी सहूलियत, थोड़ी भी शर्म और थोड़ी भी काबिलियत है तो मुझे पकड़ें और मुझे रोक लें मर्डर करने से। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राइमरी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और छात्रा की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रेरक मिशन शुरू करने जा रही है।
सरकार का दावा है कि प्रेरक मिशन 6 महीने में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की तस्वीर को बदल देगा। प्रदेश के सभी जिलों में पहले एक प्रेरक विद्यालय बनाया जाएगा। इसी तर्ज पर पूरे जिले के विद्यालयों को प्रेरक विद्यालय के रूप में तैयार किया जाएगा। यही नहीं, सरकार की ओर से निर्धारित तीसरी संस्था प्रेरक विद्यालयों के बच्चों की दक्षता की जाँच करेगी। संस्था की जांच में खरा उतरने के बाद उसे प्रेरक विद्यालय व जिला का खिताब दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पढ़ने वाले शिक्षकों को प्रेरक शिक्षक के रूप में सम्मानित किया जाएगा। लखनऊ से जयपुर के बीच शुरू हो रही पिंक बसों के लिए सोमवार से सीटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। मंगलवार 16 फरवरी से पिंक सिटी के लिए पिंक बस चलेगी। आलमबाग टर्मिनल से जयपुर के बीच चलने वाली है बस सेवा रोज चलेगी। यात्रियों की मांग पर परिवहन निगम प्रशासन पिंक बस शुरू करने जा रहा है। ये बस आलमबाग टर्मिनल से जयपुर के बीच रोज चलेगी। एक जोड़ी सेवाओं को दोनों और संचालन होगा। आज की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook, Twitter या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार। अब अपने शहर की प्रमुख खबरें देखें एक साथ एक जगह पर। अब बिना मिर्च मसालों के एकदम सटीक खबरें होंगी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। खबरें फटाफट केवल रेडियो इंडिया पर। अभी क्लिक करें www.eradioindia.com और साइट के ऑप्शन में जाकर ऐड टू होम स्क्रीन करें या youtube.com/eradioindia पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा facebook.com/eradioindia पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9458002343 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने शहर में रेडियो इंडिया का प्रतिनिधि या रिपोर्टर बनने के लिए भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं। ई रेडियो इंडिया प्रस्तुत करता है चुनावी चौपाल, चुनावी गतिविधियों के हर चाल पर गहरी नजर, इन एसोसिएशन विद वैन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, दैनिक ग्रीन इंडिया, मीडिया वेलफेयर सोसाइटी।